जल्दी से पूरी ताकत से भागो, नहीं तो वो हमें अपने पैरों तले कुचल डालेगा। वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जल्दी करो। जंगल के सारी जानवर तेजी से भागे जा रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी मृत्यु साफ नजर आ रही थी। हर ताकतवर छोटा बड़ा जानवर तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक विशाल बाघ उनके पीछे पड़ा था। कुछ जानवरों को तो उस विशाल बाघ ने अपने पैरों तले रोंद दिया। उसकी गर्ज और तूफानी ताकत से जमीन धक-धक हिल रही थी और वो जानवरों का खून पी पी कर और भी ताकतवर होता जा रहा था। ऐसे में कुछ जानवर बहुत घबराते हुए मीना बकरी के पास पहुंचते हैं। मीना बहन, वो सब तबाह कर देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा वो। तुम क्या कह रही हो, कौन नहीं छोड़ेगा किसी को? 100 जानवरों की तूफानी ताकत लेकर एक विशाल बाघ हमारे जंगल में घुस आया है, वो सबका खून पी रहा है। अब तुम्हें ही अपने बेटे राघव को बुलाना होगा, वही इस समस्या का हल निकाल सकता है। हाँ गाय, मुसीबत में वही ढाल है हमारे लिए। मैं अपने बेटे राघव शेर को एक संदेश भिजवाती हूँ। तब बकरी एक बाज को संदेश लेकर राघव तक पहुँचा देती है। राघव उसे पढ़ते ही वहाँ से निकल लेता है। लेकिन आप भी यही सोच रहे होंगे कि यह सफेद शेर एक बकरी का बेटा कैसे हो सकता है। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि आज से 20 साल पहले रामू शेर और उसकी पत्नी एक साथ रहते थे। रामू की पत्नी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। रामू बिल्कुल अकेला हो गया था। रामू ने अपने एक बेटे का नाम राघव और दूसरे बेटे का नाम रघु रखा। अब रामू दोहरी जिम्मेदारी से घिर गया था। पहले वो बाहर काम करने के लिए जाता और फिर आकर अपने दोनों बेटों को संभालता। रामू के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। तब उसने अपने जुड़वा बच्चों के लिए दूसरी शादी कर ली। शुरू में तो रामू की पत्नी रामू के सामने रघु और राघव को बड़े लाड से रखती, लेकिन रामू के जाने के बाद वह रघु और राघव दोनों पर अत्याचार करती और जुल्म की हद पार कर देती थी। एक बार रामू को कई महीनों के लिए किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सुनो शेरनी, मेरे दोनों बच्चों का तुम बहुत ख्याल रखना, मैं जल्द ही लौटने की कोशिश करूँगा। रामू वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी का जुल्म और भी ज्यादा बढ़ गया था। वह रघु और राघव को पूरा दिन अपनी खिदमत में लगा कर रखती। पूरा दिन काम करवाने के बाद भी वो उन्हें कुछ खाने को नहीं देती थी। रामू का एक बेटा रघु भूख से तड़प तड़प कर मर गया। रश्मि ने जब ये देखा तो चिल्लाते हुए बोली, तुम ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? अगर तुमने अपने पिताजी के सामने जुबान भी खोली तो अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखना तुम। आज रामू अपने घर वापस लौट आया, लेकिन जब रघु उसे कहीं नजर नहीं आया तब उसने अपनी पत्नी से पूछा, अरे ये रघु कहाँ गया, कहीं नजर नहीं आ रहा? अरे रामू जी, उसे मैंने एक काम सिखाया था, उसी के लिए बस बाहर गया हुआ है। आप ऐसा कीजिए, आराम कर लीजिए। ऐसे ही रात हो गई, तभी मीना बकरी रामू के पास आई। रामू, तुम्हारा बेटा रघु अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसे तुम्हारी जालिम पत्नी ने मार डाला। कल जब वो राघव को मारने की धमकी दे रही थी तो मैंने उसकी बात सुन ली थी। क्या? नहीं, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। रश्मि बहुत जालिम है रामू, तुम ऐसा करो, राघव को मेरे हवाले कर दो, मैं इसको बहुत सारी कलाएं सिखाऊंगी और इसे महान योद्धा बनाऊंगी। तब रामू ने राघव को मीना बकरी के हवाले कर दिया और मीना उसे अपने साथ ले आई और रामू ने अपनी पत्नी को हमेशा के लिए कैदी बना दिया। तो इस तरह से मीना बकरी ने राघव को पाल कर अपने बेटे को बड़ा किया था। राघव ने जब जंगल में जाकर उस विशाल बाघ को देखा तो वापस आ गया और जानवरों के साथ एक योजना बनाई। भाइयों, उसे खत्म करना इतना आसान नहीं है, हमें उसे ताकत से नहीं दिमाग से मारना होगा। लेकिन बेटा, वो कैसे? हमें बहुत सारा ताजा मांस विशाल बाघ के आने से पहले पहले पत्थर के नीचे रखना होगा और एक मजबूत रस्सी का सिरा पत्थर के नीचे दबा देंगे और दूसरा रस्सी का सिरा जाल में बांध देंगे ताकि जब बाघ मांस खाने के लिए पत्थर को हटाए तो रस्सी वहां से हटकर वो पिंजरा उसके ऊपर आ गिरे और वो वहीं इस तरह से कैद हो जाएगा और पिंजरे से कभी नहीं निकल पाएगा। अगली सुबह सबने ऐसा ही किया। मांस के टुकड़े के ऊपर
एक बड़ा पत्थर रख दिया और विशाल बाघ मांस की खुशबू सूंघता हुआ वहीं तक आ पहुंचा। जब उसने मांस खाने के लिए पत्थर हटाया तो वो रस्सी भी निकल गई और पेड़ों के बीच से धप से वो पिंजरा नीचे आ गिरा और विशाल बाघ उसमें कैद हो गया। इस तरह राघव ने उस जालिम बाघ को एक बड़े पिंजरे में कैद करके सभी जानवरों की जान बचा ली और हमेशा के लिए अपनी माँ बकरी के साथ खुशी से रहने लगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बंटी नाम का एक बाघ अपने परिवार के साथ वृंदावन जंगल में आकर रहने लगा। बंटी की पत्नी तो शांत मिजाज की थी, लेकिन बंटी बाघ एक बड़ा ही जालिम और बेरहम था। उसने जंगल के जानवरों के दिल में दहशत फैला दी। जंगल का एक एक जानवर उसके खौफ से डरने लगा था। बंटी बाघ जितने जानवरों का शिकार करता था वो उतना ही ताकतवर हो जाता था। लेकिन एक बार अचानक बंटी बाघ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। वो एकदम से बीमार पड़ गया। कई दिनों तक शिकार न मिलने की वजह से बंटी बहुत कमजोर हो गया था। अरे ये मुझे क्या हो गया? अगर मैं ऐसे ही कमजोर पड़ता रहा तो जानवरों के दिल से मेरा खौफ निकल जाएगा। मुझे हिम्मत करके शिकार करना ही होगा। तब बंटी बाघ धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ता है। तभी उसे जंगल का राजा वीरू शेर दिखाई पड़ता है। अरे ये मुसीबत कहाँ से आ गई? अभी मुझे इससे बचकर रहना होगा। मैं इस हालत में इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। तब बंटी बाघ धीरे से वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में चलते चलते उसे एक गुफा से आवाज आती है। रुको रुको, मेरे अंदर आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनकर बंटी गुफा के अंदर चला जाता है तो उसे वहाँ पर एक बाघ मानव एक कवच के अंदर खड़ा दिखाई देता है। उसे देख बंटी पूछता है, अरे भाई तुम कौन हो और इस गुफा में क्यों कैद हो? तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम क्यों परेशान हो। तुम्हारी परेशानी का मेरे पास एक हल है। मेरे पास जादुई पंख हैं, मैं वो तुम्हें दे दूंगा जिनसे तुम आसानी से शिकार करके उड़ पाओगे। लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। उड़ने वाले पंखों की बात सुनकर बंटी की खुशी का ठिकाना नहीं था। हाँ हाँ बोलो भाई, क्या करना है मुझे? इसी जंगल में एक खुफिया गुफा है जिसके अंदर मेरा दोस्त ड्रैगन कैद है। तुम्हें उसे आजाद करा के मेरे पास लाना होगा। लेकिन वो गुफा कहाँ पर होगी? बस उसे ढूंढना ही तो तुम्हारा काम है। जाओ अब ढूंढो उसे। तब बंटी बाघ उस गुफा को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। बंटी एक जगह हार थक कर बैठ जाता है। तभी उसे एक जगह कुछ पेड़ गिरे हुए दिखाई देते हैं। तब बंटी जाकर उन एक एक पेड़ को हटा देता है तो उनके नीचे एक गुफा थी जो कि एक पत्थर से बंद थी। तब बंटी उस पत्थर को हटाकर उस ड्रैगन को वहां से आजाद करा देता है और उसे बाघ मानव की गुफा की ओर ले जाता है। लेकिन तभी एक भैंस यह सब देख लेती है और भागती हुई राजा वीरू शेर के पास जाती है। वीरू शेर को सब बताती है। वीरू शेर ये सब सुनकर एकदम दंग रह जाता है। अरे ये उस बाघ ने क्या कर दिया? शायद उनके कहर के बारे में वो भी नहीं जानता। अब हम सबका बच पाना बहुत मुश्किल है। उधर वो बाघ उस ड्रैगन को लेकर बाघ मानव के पास पहुंचता है और ड्रैगन अपनी ताकत से बाघ मानव के कवच को तोड़ देता है और अब वो दोनों आजाद हो जाते हैं और एक बहुत बड़ी ताकत बन जाते हैं। तब बाघ मानव बंटी बाघ को वो जादुई पंख दे देता है और अब बंटी बाघ उन पंखों से आसमान में मजे से खुशी से उड़ने लगता है। उधर वो दोनों जंगल में आतंक मचा देते हैं और जानवरों को मार मार कर खाने लगते हैं। जंगल में एकदम से हाहाकार मच जाता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार वह ड्रैगन और बाघ मानव बंटी बाघ की ही पत्नी और उसके बेटे का शिकार कर लेते हैं और उनका खून पीकर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जब बंटी बाघ अपनी गुफा पर पहुंचता है तो अपने बीवी बच्चों को खून से लथपथ देख
जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर वीरू शेर वहां पहुंचता है और बंटी की बीवी और बच्चों को ऐसे मरा हुआ देख वीरू तुरंत समझ जाता है कि ये सब किसने किया है और कहता है, आज तक तुमने जितने भी जुल्म किए आज तुम्हें उनकी सजा मिल गई और इनकी मौत के जिम्मेदार वह तुम्हारे दोस्त ही है जिन्हें तुमने आजाद कराया था। शायद तुम जानते नहीं कि तुमने उन्हें आजाद करा के कितनी बड़ी गलती कर दी। आखिर कौन है वो और वो अब तक गुफा में क्यों कैद थे? काश ये तुम पहले जान लेते तो बहुत अच्छा होता। अब से कुछ सालों पहले एक बार हमारे जंगल में वे दोनों जालिम घुस आए थे और उन जालिमों ने जंगल पर इतना कहर बरपाया कि जानवरों ने जंगल छोड़ने तक भी सोच लिया था। लेकिन मैं ऐसा देख नहीं सकता था, तब मैंने उनसे लड़ने का सोच लिया और जब उनसे लड़ने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उनकी ताकत के सामने कुछ भी नहीं हूँ। तब मैं वहां से अपनी जान बचाकर भाग गया। तब मैंने भी सोच लिया था कि अब हम ये अपना जंगल छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन उसी दिन हमारे जंगल में एक पंडित जी आए और कहने लगे, सुनो वीरू महाराज, मैं यहाँ पर तुम्हारी मजबूरी देखते हुए आया हूँ। मैं अपने मंत्र और शक्तियों से उन दोनों जालिमों को हमेशा के लिए कैदी बना दूंगा। तब उन पंडित जी ने उन दोनों को अलग अलग गुफा में कैद कर दिया था, लेकिन अब फिर तुमने उन जालिमों को रिहा कर दिया। सुनो वीरू महाराज, इस गलती का जिम्मेदार मैं हूँ तो इस गलती को भी मैं ही सुधारूंगा, बस अब तुम सब मुझ पर छोड़ दो। तब बंटी उनकी गुफा में पहुंचकर कुछ मांस रखाता है और उसमें बेहोशी की जड़ी बूटियां मिला देता है। कुछ देर बाद वो दोनों भी गुफा में आ जाते हैं। सुनो भाइयों, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैंने तुम्हारे लिए ये सारा मांस इकट्ठा किया है। तब वो दोनों उस मांस को मजे मजे से खाने लगते हैं और कुछ देर बाद जंगल में निकलते हैं, तो उनसे आगे चला ही नहीं जा रहा था। अरे दोस्त, मुझसे तो आगे चला तक नहीं जा रहा। हाँ दोस्त, मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है। कुछ देर बाद उनके पास बंटी बाघ आता है तो वो उससे कहते हैं, सुनो बंटी, तुम किसी भी तरह करके हमें हमारी गुफा तक पहुंचाओ, हमसे आगे एक कदम तक नहीं चला जा रहा। कोई बात नहीं भाई, मैं एक एक करके तुम दोनों को ले जाता हूँ। तब बंटी बाघ मानव को अपने पैरों में पकड़कर उड़ जाता है और उसे ले जाकर आग के अंदर फेंक देता है और बाघ मानव जलकर वहीं मर जाता है। इसी तरह बंटी ड्रैगन को भी लाकर आग में फेंक देता है और वो उन दोनों का वहीं पर अंत कर देता है। और अब जानवर को कोई खतरा नहीं रहता और बंटी भी अब वीरू शेर के ही साथ जंगल में रहने लगता है। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना और शेयर करना, साथ ही साथ अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।